आज हमारे साथ में कनेक्टेड है स्वामी भास्कर जी, और आज का हमारा सवाल है कि अस्थमा का आयुर्वेदा में क्या इलाज है। निश्चित रूप से आयुर्वेद में ही अस्थमा का उपचार है। आयुर्वेद में कफज, पित्तज, वातज तीनों प्रकार के श्वास रोगों से निजात पाई जा सकती है। वैसे तो तमक श्वास, उच्च श्वास, महाश्वास, इस तरह से बहुत सी इसके वैरायटी कर रखे हैं, काइंड्स कर रखे हैं, लेकिन मूल रूप से कफ से होने वाले श्वास में आप वेदन करें, बमन करें, धूम्रपान का भी उपाय करें तो ये श्वास चिकित्सा हो जाती है। स्नेहन के लिए मालकांगनी, सेंधा नमक को वक्ष स्थल पर मालिश करके कफ निस्सारक लेप, जिसमें कपूर, मोम, सौंठ और घी का एक कल्क बना लें और उसे सीने पर लगाएं। इसके अलावा मौन करने के लिए चावल के माड़ के साथ सेंधा नमक और मधु और पीपल से मौन कराएं। धूम्रपान के लिए आप जिसे हरिद्रा धूम कहते हैं, हल्दी, बच, एरंड की जड़, लाख, मैंसिल, जटामासी, देवदारू, बड़ी इलायची सुखाकर कूटकर बत्ती बनाएं और घी से इसे चिपड़ करके उसका धूम्रपान दें। इसके अलावा धतूर के फल, पत्र एवं शाखाओं को सुखाकर कूटकर फिर चिलम में रखकर उसे पिलाएं तो उससे भी कफज, श्वास रोग की चिकित्सा हो जाती है। श्वास कुठार रस का सेवन कराएं वातज में, और हरड़, बिड नमक और हींग से सिद्ध किया हुआ 10 वर्ष पुराना घी, गाय का घी दें तो वो भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा मधुपक कुहरित की तो सभी प्रकार के कफ रोगों में काम आती है, और श्वास का चिंतामणि रस भी इसकी एक पेटेंट दवा है। पित्तज श्वास में आप कटेरी, जीरा, आंवला और पीपल का चूर्ण शहद के साथ 5-5 ग्राम दिन में 3 बार लें। महामजिस्ट्राज और सर्वाध्याय रिष्ट का सेवन करें तो आपको इन श्वास रोगों से निजात मिल सकती है। धन्यवाद।